स्वागत है संदीप के ब्लॉग्स में। और आज के वीडियो में दिखाने वाले पढ़िया मंडी से लेकर पांडेपुर चौराहे तक के नज़ारे, किस तरह के पांडेपुर के चौराहे पहले से कितना विकसित हो चुका है और किस तरह का बन चुका है उसको दिखाते हैं आज वीडियो के आगे। तो वीडियो में बने रहे, उसके पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं वीडियो के आगे। तो हम पढ़िया मार्केट मंडी के बाहर खड़ा है जहाँ फ्रूट्स मार्केट है, और उसी के आगे चलेंगे हम सीधा। ये रोड चला जाएगा आपके पांडेपुर के लिए, और यहाँ से जैसे इस साइड में आप जाते हैं तो ये चला जाएगा सारनाथ के रूट के लिए। ये रोड चला जाता है सारनाथ के लिए और आगे वाली रोड चली जाएगी पांडेपुर के। तो आज के वीडियो में हम दिखाएंगे पढ़िया से लेकर पांडेपुर चौराहे तक का पूरा नज़ारा, किस तरह का पहले से अपेक्षा बदल चुका है, काशी का नया स्मार्ट सिटी उसको दिखाते हैं। ये चल चुके हैं और ये देखिए आगे की तरफ दिखा रहे पूरे नज़ारे और किस तरह के ये पहले से अपेक्षा बन चुके हैं, बदलाव हो चुके हैं लोगों को। और सड़क वगैरह इतनी बढ़िया बना दी गई है और अगल बगल में फ्लैट बैंक वगैरह सारे अवेलेबल हैं, प्लस मॉल वगैरह रिलेटेड सारे चीज़ें, छोटे छोटे दुकानें वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, जहाँ आपको दिखा रहे हैं किस तरह के यहाँ के नज़ारे। और ये देखेंगे ठीक बगल में ही हॉस्पिटल वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। और यहाँ की पूरी मार्केट की नज़ारा दिखा रहे हैं, किस तरह का पूरा मार्केट का नज़ारा है आपको देखने को मिलेगा। यह है, हम लोग आने वाले हैं पांडेपुर चौराहे के पास, अभी कुछ टाइम लगेंगे फिर उसके बाद आगे चलते हैं। किस तरह की पूरी मार्केट है वह दिखा रहे हैं। देखिए पूरा के पूरे हर तरह के मॉल से लेकर हर चीज़ खुल चुके हैं। और यहाँ पहले जो था ऐसा एरिया नहीं था जो पहले विकसित देश तक समय था, अब जो है कि काफ़ी बदल चुके हैं वो नज़ारे आपको ये सामने। देखिए शोरूम वगैरह सारे मिलने वाले हैं, हर तरह के शोरूम से लेकर हर चीज़ गाड़ियों वगैरह सारे मिल जाएंगे। ये देखिए मॉल है, बिटू मॉल भी आ जाते हैं बीच में। और इसी तरह आगे ले चलते हैं चौराहों के नज़ारे देखने। यहाँ पे ज्वेलरी से लेकर हर तरह के मार्केट आपको मिल जाते हैं और काफ़ी अच्छी जगह भी जो आपको देखने के लिए मिलती है यहाँ पे। ये देखिए काफ़ी अच्छी जगह है जो आपको देखने के लिए। और आगे जो है चौराहा माता मंदिर पड़ जाता है, फिर उसके आगे हम लोग पांडेपुर चौराहा पड़ जाएगा, वहाँ तक के पूरे नज़ारे आपको आज के वीडियो में दिखाने वाले हैं किस तरह के नज़ारे पहले से हैं। और उसके पहले हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना भूले नहीं, संदीप के ब्लॉग्स को। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह भी आपको मिलने वाले हैं। किस तरह का मार्केट पूरा का पूरा बन चुका है। तो आगे आपको बोर्ड पे भी दिख रहा होगा, तो लखनऊ जाने के लिए भी है, सुल्तानपुर के लिए, चौका घाट के लिए, लौराबीर के लिए, पांडेपुर चौराहे यहाँ से सिर्फ 30 मीटर और आगे की तरफ है, वहाँ पे दिखाते हैं। ये हम लोग आगे देखेंगे तो चौराहा माता मंदिर भी आपको मिलेगी। चौराहा माता मंदिर से पुल के ठीक नीचे से ही आपको जाना है, जहाँ पे आपको पांडेपुर चौराहा मिल जाएगा। नीचे से जा रहे हैं जहाँ पे आपको ये नज़ारे दिखा रहे हैं पांडेपुर वाला, और इसी से नीचे से आप जाएंगे तो आगे पांडेपुर का चौराहा भी आपको पड़ जाएगा, तो वहाँ का भी कुछ मार्केट दिखाते हैं आपको। ये देखिए पुल के ठीक नीचे हम आ चुके हैं, और यहाँ भी देखेंगे इस प्रकार के आपको मार्केट मिलने वाला है, अलग अलग तरह के आपको मार्केट यहाँ मिल जाएंगे जहाँ पे आपको देखने के लिए। यहाँ पे आपको पांडेपुर के चौराहे का मार्केट यहाँ पे आ गया, पांडेपुर चौराहा जहाँ आप देख सकते हैं, और यहाँ के पूरे नज़ारे जो आपको देखने के लिए मिल रहा है। आ चुके हैं पांडेपुर चौराहे पे जहाँ आपको चौराहे का नज़ारा दिखा रहे हैं, और काफ़ी सुबह के टाइम इतनी भीड़ हो चुकी है जहाँ आप देख सकते हैं कितने की भीड़ हो रहा है। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैंने पढ़िया से लेकर आपको पांडेपुर तक चौराहे के पूरे नज़ारे आपको दिखाए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को भी जानकारी मिल सके।